दोस्तों हाल ही में एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई जिसके कारण अमेरिका शॉक में गया है। क्या है वो रिपोर्ट जानेंगे इस वीडियो में। और अमेरिका भारत को प्रतिबंधों की धमकी देने लगे क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी हथियार को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को भी नेस्तो नाबूद कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों दरअसल भारत इस समय अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक लगातार नया नया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जिसने चीन के अंदर टेंशन पैदा कर दी है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन आ चुका है, यानी कि अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी भी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ता है तो भारत अपनी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक देगा। लेकिन अगर भारत ने दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल फायर किया तो दुश्मन उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। कुछ दिनों पहले रूसी रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रूस प्लस बुराक को लेकर खुलासा किया गया था। दोस्तों भारतीय नौसेना की तैयारी को देखकर अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत के द्वारा यह तैयारी चीन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है क्योंकि चीन ही भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश है जो आए दिन भारत को उकसाने वाली हरकतें करता रहता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया की किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। दरअसल दोस्तों जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने K5 और K6 मिसाइलों को विकसित कर चुका है और उनका परीक्षण भी कर लिया है। भारतीय नौसेना के जजीरों से लॉन्च होने वाले चारों मिसाइल शामिल हो चुकी और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLMV के 4 डेवलप करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 1000 किलो होने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे।